वेलकम टू राजेश किचन। आज राजेश किचन में हम आपको शेजवान सॉस घर पे बड़ी ही आसानी से बना के दिखाते हैं और आप अपने घर भी बनाइए और उसका एंजॉय कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बनता है ये शेजवान सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको चाहिए शेजवान सॉस बनाने के लिए इस टाइप का, हमको तो चाहिए वैसे कश्मीरी मिर्च, लेकिन हमको कश्मीरी मिर्च मिला नहीं तो हमने ये नॉर्मल सूखी मिर्च ले ली है जो अक्सर सबके घर में मिल जाती है आराम से। और इसको हमने करीब 100 ग्राम के लगभग लिया है और रात भर के लिए हमने इसको सोख करके पानी में रखा। उसके बाद हमको चाहिए करीब 3-4 इंच अदरक का टुकड़ा और ये एक कटोरी लहसुन बारीक कटा हुआ, एक इस तरीके से देखिए, आप चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं। ये धनिया की डंडी है, जो हरी धनिया की पिछली डंडी नहीं होती मोटी वाली, उसको हमने चॉप करके ले लिया है। ये चीनी है, ये 2 चम्मच टमाटर केचप है, सोया सॉस 1 चम्मच और 2 चम्मच विनेगर, नमक टेस्ट के हिसाब से। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे कि जो हमने मिर्च को सोख करके रखा था इसको एक कुकर में डाल के 1 सीटी आने तक इसको बॉयल करेंगे जिससे ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। अब इस कुकर में हम सब मिर्च को ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे करीब 1/2 गिलास पानी। अब इसको हमको कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने तक इसको पकाना है। कुकर की 1 सीटी आ गई है, अब हम इसको अपने आप से ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमको इसको मिक्सर में डाल के एक इसका बारीक पेस्ट बना देना है। कुकर का प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया है, अब हम इसको खोल लेते हैं। हमारी सब बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, थोड़ा सा ठंडा और करके इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब इसका एक हम बारीक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, हमको इसी तरीके का ये पेस्ट चाहिए था, हमारा पेस्ट बिल्कुल पीस के तैयार है। अब हम क्या करते हैं, एक पैन ले लेते हैं और पैन में डालेंगे करीब 4-5 चम्मच ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसको काफ़ी दिन तक आप रख भी सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक जो हमने बारीक चॉप करके लिया था और इसी के साथ जिंजर भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इनको हमको हल्का सा भुनना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसका कच्चापन चला जाए बस उतना ही हमको इसको भुनना है। ये देखिए, इस स्टेज तक ही हमको गार्लिक और जिंजर को भुनना था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो प्यूरी हमने बना के रखी है मिर्च की, उसको ऐड करेंगे। अब हमको इसको ढक के करीब 2-3 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं ना, तेल हमारा एकदम बिल्कुल से सेपरेट होने लगा है। इस सॉस को आप पिज्जा सॉस की जगह पे भी यूज कर सकते हैं और पिज्जा रेसिपी हमने अब आटे से बना के अपने YouTube चैनल पे डाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। समय हमको इसमें डालना है ये टमाटर केचप, नमक, चीनी और ये जो धनिया का काट के रखा था इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं और ये सोया सॉस, सभी को अच्छे से मिला देते हैं और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हमको 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। आइए खोल के चेक करते हैं। ये देखिए, तेल हमारा सेपरेट होने लगा है। अब इसी समय हम इसमें विनेगर भी ऐड कर देते हैं और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक के हमको 1 मिनट के लिए और पकने देना है। ढक देते हैं, आइए खोल के चेक करते हैं। ये देखिए, कितना लजीज हमारा सॉस बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, कितना लहगर हमारा शेजवान सॉस बन के तैयार हुआ है। आपको अगर शेजवान सॉस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।